हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, आखिर निकाह होते ही राखी सावंत क्यों पड़ गई कानूनी पचड़े में? राखी सावंत की लॉयर फाल्गुनी ने सुनाया राखी का दर्द। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में राखी सावंत का एक फोन कॉल रिवील हुआ था और जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। साफ तौर से राखी सावंत ये बताती हुई नजर आ रही है कि उनके और आदिल के निकाह के कुछ दिनों बाद ही उन्हें इस बारे में भनक लगी कि आदिल ने उनको धोखा दिया है, वो किसी और लड़की के साथ अफेयर कर रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है आदिल खान का। और ऐसे में जब आदिल खान से राखी के साथ उनके निकाह के बारे में पूछा गया, तब आदिल ने इन सारी खबरों को अफवाह बता दिया और बोला सारी तस्वीरें सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, हाल ही में राखी सावंत की लॉयर फाल्गुनी का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने जनता के कई सारे सवालों का जवाब दिया। साफ तौर से बताया कि आदिल खान इस बारे में झूठ क्यों बोल रहे हैं, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी सुनना बाकी है। उन्होंने जो कुछ कहा वो मीडिया वालों से कहा है, राखी सावंत से वो बात नहीं कर रहे। और जहां तक बात है जोर जबरदस्ती की, तो आदिल खान ने ही जबरदस्ती की थी इनफैक्ट राखी के साथ, राखी ने शादी की जबरदस्ती नहीं की थी। आदिल खान ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि जल्द से जल्द राखी सावंत उनसे निकाह कर ले। वहीं दूसरे बड़े सवाल पर फाल्गुनी का जवाब ये था कि राखी सावंत ने आदिल के लिए अपना नाम बदला, अपना धर्म भी बदला। उन्होंने ये बताया कि मौलाना के आगे ये सारी की सारी चीजें हुई है, जोर जबरदस्ती होती तो इतना सब कुछ नहीं होता। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ नजर आ रहा है उनसे कि ये यहाँ पे कहीं भी किसी से भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई। जिसके बाद उनके लॉयर की स्टेटमेंट से यही साबित होता है कि अब कानूनी पचड़ों में फंस चुकी है राखी सावंत। अब लगातार उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे अपने न्याय के लिए। दोस्तों, ऐसे में राखी सावंत के ऊपर मुसीबतों के बादल घिर चुके हैं। आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।